नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत, बीडीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं हूं अभी इस समय बिहार के मधेपुरा जिला गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत भागवत चौक पर। यहां पर प्रत्याशियों की आज अपने अपने सभी गम्हरिया प्रखंड में प्रत्याशी लोग अपना अपना नामांकन दाखिला किए हैं। जानते हैं किस पद के उम्मीदवार हैं, किस पद के उम्मीदवार हैं आप लोग? सरपंच का पंच। सरपंच के पंच। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। तो आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार, तो आप खड़ा हुए हैं कि आपकी धर्म पत्नी खड़ा हुई है? मेरी पत्नी खड़ी है। तो आपकी धर्म पत्नी कहाँ है? ये आपकी धर्म पत्नी है, सरपंच के पंच बनी है। अच्छा, तो आपका शुभ नाम क्या है? रेखा देवी। रेखा देवी, घर कहाँ हुआ? गम्हरिया। वार्ड नंबर तीन। गम्हरिया वार्ड नंबर तीन। जी, तो आपके पति का क्या नाम है? संजय सुतिहार। अच्छा, तो आपके ससुर साहब का क्या नाम है? महिंदर सुतियार। अच्छा, तो अभी जो आप लोग जो सरपंच के पंच के पद से जो नॉमिनेशन दिए हैं, आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? दो शब्द बताइए। अच्छा के लिए, भलाई के लिए, विकास करेंगे। अच्छा, क्या क्या विकास कीजिएगा? सरपंच का जो काम होता है वही न करेंगे सर। अच्छा, सरपंच का क्या काम होता है? अदालत, अदालत, पंचायत में जाना। अच्छा, अच्छा बुरा जो है सारा चीज को देखना। अच्छा, बहुत बहुत जानकारी आपसे मिला। संजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, तो ये लोग नारे भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार संहिता लागू है, आपको पता होना चाहिए। इतने सारे लोग आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब समर्थन में। और सब समर्थन में सर, वोटर है इसका, सब आपके वोटर हैं। ठीक है, अगला लाइव इधर दिखा दीजिए जरूर। और देख लीजिए, प्रत्याशी के साथ में बहुत सारे पब्लिक इनके साथ खड़े हैं। तैयार है, तैयार है, एकदम फुल बहुमत दीजिएगा। देखिए, सब बहुत कैमरा तस्वीर से आप देखिए, कैमरा के तस्वीर से देखिए। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।